एक बार पूछ लो। मुझे तो भाई ये 19 इंच से ऊपर का आलम समझ रहा हूं। 18-19 भी 19 से प्लस है भाई। एक्चुअली क्या है जो अभी आजकल आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया में 3 महीने में सिक्स पैक लोग, 3 महीने में बॉडी बिल्डर बने, वो जो 3 महीने के बॉडी बिल्डर है ना, जितनी उम्र आपकी मतलब के इस साइज को मतलब बड़े होने में किया उतना टाइम तो मैंने दिया है। इतने लंबे टाइम मैं नहीं, कोई भी प्रोफेशनल जो तरीके से सिस्टमेटिक चलेगा वो लंबा गेम। अच्छा, तो हमारी ऑडियंस के जो ये नए नए बच्चे आ रहे हैं जिनको वर्कआउट करने का शौक है, ठीक है, वो भाई से पता है तो आनंद जाते, तो क्या आपने इतने सालों में सीखा है मतलब जिससे आपका इतना बड़ा साइज है, आपकी बॉडी इतनी बड़ी है, तो उसका क्या राज है? कोई ट्रिक होगी, कुछ आपने सीखा होगा, कोई ऐसी स्पेशल टेक्निक होगी, वो आप बताइए प्लीज। स्पेशल टेक्निक यही है कि मोस्टली क्या होता है जिम में जो बच्चे आते हैं ना, सबसे पहले उसका फोकस ये होता है बाइसेप्स पे, तो बाइसेप्स ट्रेनिंग बहुत बहुत ज्यादा करते हैं, 7-8 एक्सरसाइज करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम जितनी ज्यादा ट्रेन करेंगे बाइसेप्स मसल को उतना ही जल्दी डेवलप होगा, जबकि ये हमारे मिथ गलत है। जितना सबसे शॉर्ट मसल तो बॉडी है क्या हमारे ये मतलब बाइसेप्स, तो इसको हम हार्ड ट्रेनिंग और कम ट्रेनिंग मतलब कि 2-3 एक्सरसाइज अगर आप चिन अप भी मारते हो ना, तो आपका बाइसेप्स मसल ऑलरेडी इन्वॉल्व हो जाता है, ऑलमोस्ट 40% वो हिट हो जाता है, लास्ट के 60% दो एक्सरसाइज या 3 एक्सरसाइज मैक्सिमम करना चाहिए, 2-3 एक्सरसाइज से ज़्यादा कभी भी बाइसेप्स छोटे मसल या किसी भी छोटे मसल को आपको ट्रेन नहीं करना है। और हमारी बॉडी भी वैसे ही है कि रोज एक ही ट्रेनिंग आप उसको दोगे ना, एक टाइम आएगा फिर रिजल्ट देना बंद करे, इसलिए वेरिएशन ऑफ एक्सरसाइज आपको बहुत जरूरी है। और एवरी टाइम एवरी वीक जब भी आप बाइसेप्स का डे आता है, आज बाइसेप्स करना है, तो या तो उसको टर्नओवर करो जो 3 एक्सरसाइज पहले आपने किया, ये अब ये कीजिए, फिर बीच से ऐसे निकालिए, फिर इसको ऐसे निकालिए, और वेरी से बाइसेप्स की अगर एक्सरसाइज बनाएंगे तो 25वीं एक्सरसाइज है, उसी को 3 एक्सरसाइज आपने किसी उसमें एक एक्सरसाइज बेसिक होना चाहिए, एक होना चाहिए मतलब एक कंपाउंड हो और दो आसन हो, कंपाउंड में जैसे मतलब बारबेल कर लो गया जो हाइपरट्रॉफी के मतलब कर दे, हां एक कंपाउंड बिल्कुल बाइसेप्स आप बारबेल कर दे, ठीक है, और दो मशीन में बिल्कुल। और वीक में कितनी बार ट्रेन करते हैं? डिपेंड करता है कि आपके रेस्ट आपका रेस्ट कैसा है, आपकी डाइट कैसी है, अगर रेस्ट अच्छा है डाइट अच्छी है तो आप कोई भी बॉडी पार्ट को डबल बॉडी पार्ट लेके चल सकते हैं, हमारे पास कोई काम नहीं, हमारा यही काम है कि हमने ट्रेनिंग करनी है और अच्छी डाइट लेनी है और अच्छा रेस्ट करना है, तो हम डबल बॉडी पार्ट कर सकते हैं, रिकवरी हो जाती है। अगर हम फिजिकली वर्क भी या मेंटली वर्क भी अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं जो कि हमें रेस्ट नहीं मिल पा रहा है और ना हम उस डाइट को फॉलो कर पा रहे हैं या फिर अफोर्ड कर पा रहे हैं, या अफोर्ड भी कर रहे हैं तो डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि रेस्ट नहीं मिल रहा, उस परिस्थिति में एक बॉडी पार्ट एक दिन में इनफ, मतलब अपने डाइट और रेस्ट के अकॉर्डिंग हमें उस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। ये नहीं है कि जो राजू भाई कर रहे हैं वही आप भी फॉलो करो, ठीक है, राजू भाई ने कुछ टिप्स बताई है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं कि 3 एक्सरसाइज से ज़्यादा नहीं लेना है, कोई भी एक्सरसाइज हो, हफ्ते में 2 बार से ज्यादा ट्रेन नहीं करना, वो भी 2 बार वो बंदा ट्रेन कर सकता है जिसको प्रॉपर डाइट मिल रही है, प्रॉपर रेस्ट मिल रहा है, उसके अलावा कोई वर्क नहीं। चलो, तो अब आपकी तरफ से कोई ऐसा कोई मैसेज जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहते हैं? मैसेज क्या है कि जो भी मतलब है अगर अपने फिटनेस इंडस्ट्री में आते हैं तो आप कभी भी आप उसको शॉर्टकट लेके ना चलो, बॉडी बिल्डिंग इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट, अगर आप स्प्रिंट मारेंगे तो नीज डैमेज होगा, कुछ टाइम बाद आप इसको मतलब इससे बाहर हो जाओगे, इसलिए बॉडी बिल्डिंग को आप एज ए फिटनेस लेके चले,
ग्रेजुअली स्लोली, जैसे आपको छत पे चढ़ना तो छलांग मार के तो चढ़ोगे नहीं, उसके लिए स्टेज की जरूरत है, स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप। तो आप ऐसे चलेंगे लॉन्ग टाइम तक, आप फिट भी दिखेंगे, फिट भी रहेंगे और चैंपियन भी बनेंगे, और अपने मतलब जो टारगेट है सबको अचीव करते हुए खुश भी रहेंगे। नेक्स्ट कॉम्पिटिशन 6 to 12 November साउथ कोरिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, दुआ कीजिए कि तिरंगा झंडा विदेश की धरती पे भाई जाके भाई को फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। मेरा नाम राजू डॉट खान डॉट 786 भाई, जल्दी जाके फॉलो करो भाई को। यूट्यूब आईडी भी है राजू खान किंग ऑफ फिटनेस, तो भाई जल्दी जाकर राजू खान किंग ऑफ फिटनेस को सब्सक्राइब करो यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, भाई को सपोर्ट करो भाई। अब भाई ही दिखने चाहिए सोशल मीडिया पे।